देख रहे हैं हम एक दूसरे की, इसकी बात तो बहुत अच्छी है। थैंक यू दी, बट मुझे पहले पहले नहीं अच्छे लगते, पर लोग तो मुझे बुड्ढी बोलते रहते हैं यार। दी ऐसे बोलते हैं तो मुझे कौन सा बुरा लग रहा है। हाँ, नहीं ना लगता, बस ऐसे बोलते हैं। मुझे भी बोलते, मुझे बोलते हैं अगर रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं मैच्योर लगती हूँ। अब मैं लगाऊ ही ना, मुझे ऐसा होता है कि क्या है वो लोग जो बोलते थी। बहुत फर्क पड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने एकदम से ही यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो मुझे धीरे धीरे चेंज पड़ता था फर्क पहले स्टार्टिंग में। अब बहुत 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 कम अपीयरेंस को लेके, अपनी मतलब लेके ऐसे को बोलेंगे इस बॉडी शेमिंग दी। मैं इसके बारे में बताऊंगी, मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे ऐसा था कि मैं वो आई थिंक तो अलग व्लॉग में बता। चलिए हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे हम वही उस बात, लेकिन मैं थोड़ा सा इंसिडेंट, मैं ऐसे नहीं कि तुमको पढ़ा, मैं व्लॉग जब शुरू में बनाती थी ऐसे बनाती थी, मतलब इतना मेरा चेहरा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ लोग मुझे बोलते इसको माथा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा माथा। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे अब नहीं, बहुत मोटी हूँ, बट मुझे बाद में पता लगा नहीं मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत मोटी हूँ। और बॉडी शेमिंग करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो जैसे जैसे बहुत मैंने वेट लॉस कर लिया तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझू कि नहीं यार, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, है ना। हर हर किसी की हेल्थ अलग है, चीज़ें अलग है, किसी को आप जज नहीं कर सकते। हमारे तो ऐसे ये तो कितनी मोटी हो गई, तो कितनी पतली हो गई। क्योंकि अगर आप पतले भी हो जाओगे फिर भी आपको जीने नहीं देंगे, आप मोटे हो जाओगे फिर भी नहीं जीने देंगे। पहले लोग मुझे मोटी भैंस खाती है, कितना खाती है, कितना मीठा खाती है। देखो इसको कानपुर में तो कुछ नहीं मिलता, मायके में भर भर के बटर खा रही है। अब पतली हो गई, अब तो बुढ़ी लगती है, ऐसी लगती है। मतलब यार मैं आप लोग को मुझे बोलते हैं ना, मैं उनको कुछ बोल नहीं रही हूँ कि मुझे मतलब ठीक है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना दी के साथ। दी आप ना थोड़ा सा कुछ डार्क लिपस्टिक लगाना, थोड़े हैवी झुमका वगैरह डालना, मैं रेडी हो जाएंगे। हाँ इस दिन ठीक है, तो मैं दी से आज के मुद्दे पे आते हैं। आज वही तो क्वेश्चन ये था कि जैसे आप अकेले रह रहे हो तो कभी आपको डर लगता हो, या मतलब अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करके रख रहे हो अकेले रहते। जैसे कोई फेस्टिवल आते हैं तो हम तो परिवार के साथ मिल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी कभी कि काश कोई होता मेरे पास अभी सब। मैंने जब छोटी थी ना तो मेरे को ना ऐसे लगता था कि मुझे ना घर से बहुत दूर रहना है, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों मुझे था कि मुझे मेरे घर से बहुत दूर रहना है, मुझे दूर जॉब करनी है, दूर मेरी शादी हो। लेकिन कुदरती मेरी शादी बहुत पास में हुई है, लेकिन फिर कुछ ऐसा बना कि पता नहीं चाहे शायद जो बंदा जो चाहता है उसको मिल जाता। हम बहुत कानपुर में रहे, पटना में आ गए, ऐसा मुझे थोड़ा सा लगता था कि मुझे दूर रहना है। पर फिर मैं ना बीमार हो गई थी, तो फिर मुझे एंजाइटी हो गई थी। एंजाइटी पता क्या थी? हाँ, तो मुझे फिर मेरी मदर इन लॉ और प्रीति आए थे, तो वो 10-15 दिन रह के जाने का उनका जब टाइम आया था तो मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता था। मुझे बाथरूम में अकेले नहाने से डर लगता था, कुंडी लगा ली तब डर लगता था अकेले। ऐसा मन करता था कि कोई रहे, मम्मी जॉब करती थी, दीपू प्रीति प्रीति आ जाती थी, दीपू तो चलो कैसे क्या ही आता है ना, और कितना ही कोई आता है, तुम लोग भी चलो आ गए तो तुम मेरा इतना समय तो नहीं निकाल सकते। फिर लगता था डर, ये अपने काम पे भी चले जाते थे, दिन में ही डर लगता होता था। फिर धीरे 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 आदत हो गई, अब तो आदत हो गई, अब बहुत बहुत बदल गई मैं। तुम? मुझे मैं हर जगह पे एडजस्ट हो जाऊँ, मुझे सब ठीक लगता है। कभी कभी हमको लगता है हम अकेले रह सकते हैं, बट कभी कभी आपको लगे कि नहीं आपको फैमिली की जरूरत है, आप बातें कर सकते हो, अपनी दिन भर की चीज़ें शेयर कर सकते हो। अकेले भी रह सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर फैमिली के साथ रहना, क्योंकि जब आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं ना तब आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस पता लगती है। जैसे मेरे को, मैं जब होती थी कानपुर में तो मेरे एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मेरी मदर इन लॉ प्रीति मदर इन लॉ रही है मेरे साथ, प्रीति बहुत रही है मेरे साथ। जैसे आ जाती बहनें होती है ना, जैसे वो आ ही जाती है, हम इतना लड़ते हैं फिर भी चलो सब है ना, तो वो आ जाती थी। तो मेरी जैसे हार्ट बीट बढ़नी ना, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना, मैंने ऐसे हाथ पकड़ लेना उस मदर इन लॉ का, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे हाथ ठंडे हो जाने, तो मुझे लगता था कि नहीं जैसे पैर मलते भी है ना वही चीज़ें, तो वही कहीं ना कहीं आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस तब पता लगती है। और वैसे भी मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मतलब मेरा तो जॉइंट फैमिली वाला ही ज़्यादा एक्सपीरियंस। कौन कौन मेरे दादी है, चाची, अगर आगे उनके बच्चे, तो हम जैसे रात को वॉक करनी, कोई भी फेस्टिवल आता था या मतलब जैसे हम इनके घर में गए तो सब इकट्ठे होके आए, बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा हमारा जॉइंट फैमिली वाला। फिर उसके बाद अब जाके हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि थोड़ा आगे चल के जैसे होता है ना कि सबके अपने अपने सेपरेट रूम्स वगैरह हो, इस वजह से हमने नया घर बनाया। नहीं तो वो लाइफ भी बहुत अच्छी थी सबके साथ शुरू से।
अपनी फैमिली में रहे हो। हाँ जी, और साथ में वही ना कजन्स वगैरह, उनके साथ बातें कर लेनी, उनके उनको जैसे मेरे को ऐसा होता था, मैं उन सबसे मतलब अपनी दोनों कजन से बड़ी हूँ, तो मैं उनको अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी गलती आप मत करना, ऐसा होता है ना कि ये उन वो भी मेरी बहन ही है, उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना, सब चीज़ें मैं एडवाइस ऐसे देती थी ना कि मैं तो टीचर हूँ तो वो, और फैमिली में जॉइंट फैमिली जैसे दिवाली होनी, हमने पूजा इकट्ठी करनी, दादी ने सबको मिठाई देनी क्योंकि हेड वही थे, और उस ऐसा बहुत सारी चीज, ये चीज मैं बहुत मिस करती हूँ। दादी के साथ दिवाली पे मुझे दिए लेने जाना, स्कूटी पर, और उन्होंने मेरी दादी ने मुझे पैसे देने दिवाली पे, तो मैंने पटाखे फुलझड़ी, इसलिए अब तो मैं नहीं कुछ भी चलाती, उस टाइम पे फुलझड़ी में जो पटाखे पटाखे से डर लगता था, फुलझड़ी वगैरह चलाते होते थे, तो ऐसे हाँ मुझे वही तुम्हारा सुन के ना अपना बीबी का याद आ रहा है। दादी दादी का तो ऐसा है कि दादी जैसे उनके कुछ सामान होता है ना अपना छुपा के रखते, जैसे उसमें से उनके रूम में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, फिर दादी ने सबको थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के देना, याद आती है ना चीज़ें। तो शादी से पहले मतलब हम बीबी के साथ रहे हैं ये वाला टाइम हमने देखा, तो मैं भी बताऊँ हमारा बहुत हिमाचल वाला घर बहुत बड़ा है, खुला डुला घर है, तो फैमिली के साथ रहना फिर सडनली शादी के बाद आप इधर को आ जाते हो तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर फिर आदत पड़ जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अकेले नहीं रह सकते, आप रह सकते हो अकेले भी, बट फैमिली के साथ रहना मिस तो आप करते हो, जो स्पेशली बाहर चला जाता है ना बहुत दूर फॉरेन कंट्रीज में, हाँ, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, चार चार साल बिल्कुल भी नहीं मिलना, वो तो बहुत आप मिस करते हो। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल पूछने वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी ये चाय वाला चस्का कहाँ से लगा? बीबी से, हाँ दादी से, मतलब चाय सुबह सुबह पीनी है, उसके बाद भी चाय के बिना लाइफ नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मैं चाय के बिना रह लूंगी फिर भी, एक टाइम तो पीनी होती, वो भी छोड़ दूंगी। मैं पहले चाय के बिना नहीं रह सकती, मैंने चाय कम कर दी, चीनी के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती थी, अब मैंने चीनी छोड़ दी एक डेढ़ महीने से, बहुत चेंजेस किए। ऐसे अभी फीकी चाय है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें थोड़ा दूध है, पानी है, बस पत्ती है, बस अब चीनी नहीं है। तो चाय का चस्का कैसे, मतलब चाय का चस्का वो देते थे आपको, चाय बना बना के देते थे? ओके, मतलब आदत उनसे लगी है ना। जैसे मैं हम छोटे थे, मेरे पापा जैसे खत्म हो गए थे, तो मैं 5-6 साल की थी, तो नानी के पास दीपुर प्रीति को लेकर मम्मी ने चले जाना, और मैंने बीबी के साथ रहना है, मतलब मेरी बीबी जान है, वही मेरी सब कुछ है, ये लोग चले जाते थे, मुझे उनके साथ ही रहना है, तो उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ करना। आप अपनी दादी माँ के लाडले थे, सबसे बड़े होते हैं ना, मेरा भाई है मेरी दादी माँ का लाडला, मतलब मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, मुझे जब वो चले गए दुनिया छोड़ के, मतलब मेरी दुनिया खत्म हो गई, इवन वो इतने बुजुर्ग थे, तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब मुझे मेरा सबसे ज्यादा प्यार मेरी बीबी के साथ था, बहुत ज्यादा, अभी भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं उसको याद करके, मम्मी से भी है, बट जैसे जान मेरी बीबी थी, ऐसे मेरे भाई का है, है? वो दादी को बहुत प्यार करता हूं अभी, इवन कभी कभी मेरी मम्मी की चुगलियां भी कर देती थी मेरी बीबी तो पता मैं कितनी चलाक थी, मैं मम्मी को नहीं बताती थी कि वो चुगली कर रही, मेरे को लगता था कि ये मेरी मम्मी है, ये अच्छी, पर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था जब बोलते थे, क्योंकि माँ तो फिर माँ ही होती है ना, बट ऐसी ऐसी होती थी कुछ कुछ, तो याद बहुत आती है, अभी भी मेरी चीजें मेरी दादी से काफी मिलती है। आपका, अच्छा आपके बड़े भाई का? मेरा बड़े भाई का बहुत था, हमें होता ना मम्मी दादी इतना प्यार ही नहीं करते, सबसे ज्यादा दादी मेरे बड़े भाई को प्यार करते थे, आपने देखा ही होगा विकास को, उसके साथ ही मतलब छोटे होते से उसको बाहर घुमाना, ऐसा नहीं कि वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, बट होता ना सबसे लाडला, जैसे आप हुआ बोल रहे हो, विकास दादी के बिना रह पाता था, दादी उसके बिना, दादी ने अमृतसर जाना अपने मतलब मायके अपने भाई के पास, तो वो भी चला जाता था हफ्ता हफ्ता रह जाता था, पता है जैसे तुम जैसे दीपू जा रहा था, तुम रो रही थी ना, और उधर से जब आंटी अंकल जाते हैं तो तुम रोती हो ना, घर जाते थे, मैं भी क्या करूँ, मैं बताऊँ मेरी दादी अपने मायके में मुझे ले गई, तो मम्मी मुझे लेने आई, और मैं रोऊँ, एक साथ मेरी दादी का मायके के साथ मुझे दादी के पास रहना, और दूसरा मम्मी के पास भी जाना है, तो सेम सिचुएशन थी, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ का मायके, तो मेरी मैं बीबी के साथ, मतलब मेरी बीबी मेरी जान है ऐसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, वो जब बोलती थी दाणू 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 दाणू, क्योंकि जब मैं पैदा हुई ना मेरे गांव में मतलब बहुत ज्यादा अनाज हुआ था, तो मेरे बाबा जी बोलते हैं ये लड़की ना किस्मत लेके आई है ऐसा, और पता है मेरे मायके में ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई हाथ देखने के लिए आया होगा, तो उन्होंने बहुत बताया होगा कि ऐसे ऐसे लड़की से शादी होगी, तो ऑलमोस्ट वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, और जब वो लड़की आएगी तो ना किस्मत बदल जाएगी इनकी, तो ससुराल वालों में, हाँ ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा हुआ भी है, बाजार डिटेल में नहीं बताना चाहती, आप बताओगे क्या
मुझे ना जैसे आपके पापा दीपू जब ब्रॉब में थोड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ दीपू का एक परिवार मिला पूरा, ऐसे अंकल बहुत प्यार करते हैं उसको, एक फादर का है ना, क्योंकि यार मतलब तुम्हारे पापा थे उसके भी पापा ये है ना, उन्होंने मतलब जो प्यार नहीं देखा, सपोर्ट सिस्टम मुझे अच्छा लगता है दोनों साइड से मुझे वो। हम इतना मुझे लगता है कि मैंने इतना पापा को टाइम दिया होगा अब जितना ये देते हैं, मतलब पापा के पास बैठे रहते बातें करते, पता नहीं इनका टॉपिक क्या चलता है कंटिन्यूअसली रहता है, और ये देखने में कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है जब आपके पति उस फैमिली को है ना अपना लेते हैं, फिर बहुत खुशी होती है, फिर तो बस बाकी सब छोड़ो, ये जो है ये मोमेंट अच्छा लगता है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है फिर वो हस्बैंड वाइफ का प्यार भी और वो गहरा होता है ना, फिर जैसे अब क्या होता है ना, जैसे चाहे मेरी गलती हो ना हो बट मेरे घर वाले इनको ही सपोर्ट करते हैं, नहीं वो गलत नहीं हो सकता, तुम चाहे गलत हो, मेरे इसमें ऐसे हो जाता है। और ये का जो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आई डोंट नो उसको हम ब्लॉग में डालेंगे कि नहीं, पर पहले हम पूछ लेते हैं कि जैसे ऐसा क्या पूछने वाले, जैसे अब शादी के बाद भी आप ज्वाइंट फैमिली में हो जैसे है ना, ज्वाइंट में जैसे मम्मी के साथ हो नीचे ना, ऊपर तो वो सेपरेट है, आप इकट्ठा रहे हो नहीं नीचे कम कम रहे, मतलब ज्वाइंट फैमिली नीचे रहे हो, ज्वाइंट फैमिली है हमारे पैसे था तो बट अच्छा लगता है जब हम सब इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है सब, आपको भी ब्लॉग्स वही अच्छे लगते ज्यादातर, जैसे मम्मी के साथ और सब ऐसे रहता, कुछ बोलना चाहो तो अगर आपका मन है तो बोल सकते हो, नहीं सब अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी बहुत जगह मेरी हेल्प कर देती है, कुछ भी काम होता है जैसे सब्जी काट के दी तो मैंने फटाफट से सब्जी बना दी, अगर बर्तन पड़े हैं वैसे तो मैं बहुत जल्दी होता है कि मैं बर्तन रखू ही ना, मम्मी कह रहे सिंक में ना वो बर्तन इकट्ठे ही नहीं होने देती, हाँ मैं कर देती हूँ, मुझे ऐसा होता है कि मम्मी करेंगे इससे अच्छा मैं कर दूँ, क्योंकि अगर मेरे दो बर्तन भी पड़े हैं ना, कभी ऐसा होता है कि मम्मी ना अपना कुछ भी चाय या खाना खा रहे ना, मैं बर्तन धो रही मम्मी उसमें सिंक में नहीं रखते, उनका ऐसा होता है कि ये धोएगी, फिर वो जब मैं बर्तन वॉश करके मारती हूँ मम्मी बर्तन नहीं मैं अपने बर्तन खुद करूँगा, ऐसा करते हैं, मतलब वो चीज़ें कई बार आपको अच्छी भी लगती है पर कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार मैं इतने कर रही तो उसकी जगह ये भी कर दूंगी, पर वो ऐसा कि नहीं ये हमारे घर की नौकर थोड़ी ना, जब इसको कहीं होता ना कि नहीं ये अभी धो दे ऐसा होता है, बट वैसा नहीं है, बहुत जगह पे मम्मा मेरा साथ दे देते, तो फैमिली उसी को कहते हैं जब आपके बुरे अच्छे टाइम में वो आपका साथ देते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सुबह उठने से पहले मम्मा ने मेरे को कभी तंग नहीं किया कि तू सुबह जल्दी उठ या कुछ भी, हमें बहुत किया मम्मा ने, और बस मेरे 14 ग्लास लेके मम्मी ने आ जाना चाय पी लो प्रीति को करते हैं ना, प्रीति को करते बच्चे के, मतलब बच्चा तो चलो अभी है, इसको भी दीपू उठ जा अब नहीं करते होंगे लेकिन हमें करते थे, तो जैसे मम्मी मेरे को सुबह जल्दी नहीं उठाते कि तू उठ जा जल्दी कि सारा है ना कि उठ जा ऐसा, फिर बाद में आराम से उनको पता है कि ये जब उठेगी ना तब ये शुरू हो जाएगी, बोलते हैं ऐसे, हाँ जैसे मैं उठती हूँ फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, मेरे को बोल रहे हैं कि वो देखना आधे घंटे में खाना बना के फ्री हो जाएगी, मैं मतलब जल्दी मेरे को होता है, एक तरफ मैं सब्जी रखती हूँ काट के फटाफट से और दूसरी तरफ मैं आटा गूंथती हूँ, जैसे वो सब्जी पक्के होती है उसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ कढ़ाई, वो धोनी है मुझे ऐसे नहीं रखना उसमें कढ़ाई में, नहीं सब्जी रखनी, जैसे आप शिफ्ट कर लेते हो ना वैसे, मेरे को भी होता है कि काम खत्म करो, ऐसा नहीं कि सारा दिन मैं उसी में लगे रहूँ, मुझे भी ऐसा होता है काम फिनिश करो फिर बाकी अपना मेडिटेट योगा वॉक जो करना कुछ करना हाँ कर सकते हो, बट मेरे घर में जैसे मम्मा से पूछ लेती हूँ आज 2 टाइम खाना बनेगा या 3 टाइम, अगर है तो कभी कभी मैं दोपहर का बना देती हूँ, शाम का मैं दोबारा से बनाती हूँ दाल रोटी कुछ भी, ज्यादातर हमारे घर में दाल वगैरह बनती है हिमाचल में, मम्मा को होता है एक सूखी सब्जी हो, मम्मा के लिए मैं करेले बना देती ताकि मम्मी खुश हो जाए, वो लेके आते वो काट के दे देते वही है ना, वो काट के दे देते फिर फटाफट से तड़के लगाना, वो तो हम कर सकते हैं वैसे मिल बांट के काम हो जाता है हमारा, और मतलब मुझे ऐसा जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि जॉइंट फैमिली में अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है, स्टार्टिंग में मुझे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ऐसी लगती थी नहीं नहीं ये हो सकता है, बट अब चल के हर चीज़ में मैं बैलेंस बना के रख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कि मैं ही कर रही हूँ, हर तरफ से सपोर्ट हो रही है, मतलब कुछ बातें उनको मेरी बुरी लगती हो लेकिन वो भी उस चीज़ को जैसे मैंने बोला ना मम्मा भी करते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके, ऐसा है हमारा कि हम बैलेंस बना के, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारी वाली जनरेशन है और जो जनरेशन गैप है उसमें थिंकिंग मैच नहीं होती कभी ना, कुछ कुछ चीजों में है ना, वही ना, अब हम बात से नहीं बताएंगे वही क्या किसका, वो हर किसी का, शायद हम कल को सासे बने तो हमारा पता नहीं कैसे रहेगा, वो बोलते कभी कभी थिंकिंग मैच नहीं होती, उस वजह से बहुत चीजें हो जाती है ना, बट अगर हम थोड़ा दोनों तरफ से चेंज करने की कोशिश करें
चेंज नहीं भी तो कुछ चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि डिस्क्लोज कर लेते हैं वैसा है। हाँ अच्छा, मतलब मैं अपना बोल रही हूँ कि अगर कहीं पे हमें लगता है कि हम इस चीज को नहीं बदल सकते तो हमें उस चीज को शांत करना, मतलब उस चीज के ऊपर बोलना ही नहीं पड़ता कभी कभी, और ये चीजें ही आपकी लाइफ को ठीक करती हैं कहीं ना कहीं हद तक, नहीं तो वो बहुत चीजें बिगड़ती हैं। मैंने मेरे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, और ऐसे मैं किसी को प्लीज मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं एक तरह का मैसेज भी पहुंचा रही हूँ कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो, मतलब मैं बस मतलब ऐसा ना हो कि कोई मेरी बातों का बुरा माने। देखो मैंने अपनी सासू माँ की भी तारीफ की है, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उनकी कोई बात का बुरा लगता है। पहले पहले हो सकता था कि मुझे उनका लगता था या हो भी, बट अब हमारे बीच में बहुत चीजें बहुत सॉर्टेड है, उनको मेरे बारे में पता लग गया है, मुझे उनके बारे में, और काफी हद तक हम खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा मम्मी तारीफ भी करते हैं कि हाँ कि जल्दी जल्दी से काम कर लेती है ऐसे ऐसे, बता मम्मी मेरी फुर्तीले है। जब मेरी शादी से पहले मम्मा से बात हुई थी ना, तब मेरे को बस एक चीज पूछी, कहते नट नट के काम कर लेती, मैं कहती नहीं मम्मी मैं नट नट के नहीं कर सकती, बोली नट नट के करती हूँ। ये तो वैसे करती हो कि वैसे करती भी थी ऐसे? मैंने पहले नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि जल्दी काम खत्म कर लेते हैं ना, कुछ और कर लेंगे या फिर खुद के लिए टाइम निकाल लेंगे, ऐसा ये नहीं कि भी सारा दिन भी इसी में किचन किचन नहीं करना। मेरे को भी ऐसा होता है, इसलिए फुर्ती ली हूँ बस। खुद के लिए टाइम निकालने के लिए बंदे को इतना करना पड़ता है, नहीं तो आप पूरा किचन में रहोगे और किचन के लिए नहीं वाइब्स बनी होती। खुद के लिए टाइम है जैसे तैयार हो गए थोड़ा सा है ना, कहीं कुछ देख लिया टीवी में या कुछ चले गए फैमिली टाइम। हाँ फैमिली टाइम, चाय पी ली, चाय ताई के पास चले गए उधर ऐसे। अभी ताई जी बहुत अच्छी है ना, उनसे दिल लग जाता है। आपको तो पता ही ना उनकी बेबी गर्ल हुई है, बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा देखना है कर जाऊंगी। तब तक तो वो बड़ी हो गई होगी थोड़ी सी, एक मंथ का भी बेबी थोड़ा सा हो जाता है वो तो डे बाय डे ग्रो करती है। उसके ऐसे पकड़ो ऐसे आंखें नहीं खोलती, अब तो चलो आंखें भी खोलती है आराम से, पर वो तब सो जाती है, मैं कहा जा रही हूँ फिर थोड़ी जैसे आंखें खोलती थी, अब तो बड़ी क्यूट होगी हो गया। तो मेरी तरफ से आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, आप बताओ आपके आपकी मदर इन लॉ के साथ कैसी बॉन्डिंग है, आप बताओ वो कैसी लगती है? अच्छी लगती है, हंसते रहते हैं, ऐसा लगता नहीं मुझे कि आपको डांटते होंगे या कुछ ऐसा है, डांटते हैं? मैं कह देती हूँ नहीं मैं डांटती नहीं हूँ, डांटती ऐसे ही जैसे मेरी मम्मी दोनों इकट्ठी होती हैं, मेरी चुपके चुपके से वो चीनी खा लेंगी, या मैं उनको कुछ बोल रही हूँ कि नहीं खाना है वो वहीं खाएंगी, या मैं उनको कैफे लेके जाती हूँ। मैं उन पर इतनी मेहनत करती होती थी, देखो उनको तो दिक्कत भी बहुत ज़्यादा, मेरी मदर इन लॉ का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, शुगर उनकी बहुत हाई रहती है, मम्मी की शुगर इतनी नहीं है जितनी मदर इन लॉ की है, बट वो परहेज नहीं करती तब मैं उनको डांट देती हूँ। पहले नहीं डांटती थी शादी से पहले, और डर के रहती थी ना, अब डांट देती हूँ तो वो मुझे यही बोलते कि हमारे भले के लिए डांटती है, बट कभी कभी खाने भी देती हूँ उनका, आप देखे होंगे व्लॉग्स उनके साथ मेरी बॉन्डिंग। देखो एक तो ना हम साथ में उतना रहते नहीं है, जब वो मेरे पास आती हैं तब तो अच्छा रहता है, मुझे सफाई का बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मेरे को सफाई का, उनको कुछ ऐसा नहीं है, साफ हुआ ठीक है, मतलब वो मुझे कुछ भी चिक 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 नहीं करेंगे, मतलब मैं कुछ भी करूँ और मैं मेकअप करूँ ना करूँ उनको अच्छा लगता है, ठीक है उनके साथ। बस वही यही मुझे यही बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखती है उनको, मुझे मतलब मुझे वो कभी रोक टोक ही नहीं है ऐसे कुछ भी करती है। दूसरा ये भी कि जैसे यार कभी कभी मिलते हो साथ में उतना नहीं रहते तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी है ना, जब साथ में रहेंगे है ना दो बर्तन तो खटकेंगे। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी मेरी बहुत ही अच्छी है, ये रीजन तो होता ही है, जब कभी कभी मिलोगे तो अच्छा ही लगता है सब, जो साथ में रहते हैं है ना उनका अलग होगा, वो तो फिर लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी फिर इकट्ठे होंगे ऐसे। बस तुम्हारे कैसे मदर इन लॉ के साथ? हाँ मुझे मरवा दो अच्छी है मेरी भी अच्छी है, मतलब थोड़ा सा होता है कभी कभी कि मुझे उनकी कुछ कुछ बातें सुननी पड़ती है, जो कि मैं कभी कभी होता ना आपको क्या आप अपने अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी चीज़ें चाहते हो वो नहीं हो पाती, कभी कभी उनकी सुननी पड़ती है, बट चलता है इतना चलता है, जब इतनी चीज़ों में वो मेरी हेल्प कर देते हैं तो उनकी कुछ बातें बनती हैं। बस इसी वीडियो को इसी के साथ एंड कर देते हैं। ओके गाइस बाय बाय।